आज खुजनेरनगर आगमन पर राजगढ़ जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत ने मीडिया को किसानों की, गरीबों की, जरूरतमंदों की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए दिया धन्यवाद। वहीं आगे बात करते हुए वर्तमान कोरोना हालात पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असफल बताया। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री जेवी बाबा के द्वारा शिवपुरी गुना राजगढ़ में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने पर धन्यवाद दिया। साथ ही कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर के द्वारा राजगढ़ अस्पताल में तथा अपनी विधानसभा में लगातार लोगों के संपर्क में रहने पर तथा जरूरतमंदों के साथ खड़े होने पर धन्यवाद दिया। खिलचीपुर के विधायक प्रवेश सिंह खींची के द्वारा माचलपुर, जीरापुर, अन्य जगहों पर एम्बुलेंस देने पर धन्यवाद दिया। वहीं युवक कांग्रेस के द्वारा जिले में जो जनसंपर्क कोविड को लेकर जनसंपर्क करके साहित्य की आ रही है, उसकी तारीफ की तथा खुजनेरनगर में सांसद रोडमल नागर के द्वारा 3 इलेक्ट्रिक ऑक्सीजन अस्पताल में देने पर धन्यवाद दिया। साथ ही पचौर थाना प्रभारी के द्वारा 2,000 रुपये एक गरीब को देने पर उनकी जबरदस्त तारीफ की तथा स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, अन्य लोगों के द्वारा कोरोना से संबंधित बीमारी में लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद दिया। वहीं किसानों को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में अनाज को लेकर जनता की पीड़ा भी शासन प्रशासन तक रखने की बात कही तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्होंने अनुरोध किया कि ग्रामीण क्षेत्र में जनता बहुत परेशान है, इस बारे में अपनी बात रखी। वहीं किसानों के सामने जो मसला इस वक्त है, बारिश होने में मात्र 20 से 25 दिन बाकी है, खाद की, बीज की आदि की मांग भी सरकार के सामने रखी। टीम भारती न्यूज। नमस्कार, सर्वप्रथम तो मैं आपके समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद दूंगा जो आप लोग इतनी महामारी में जीरो ग्राउंड से लेकर के एक छोटी आवाज को बड़ी आवाज तक कर रहे हैं, उठा रहे हैं आवाज को। इसलिए मैं आपके समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, किसान कांग्रेस राजगढ़ की तरफ से बारम्बार आपको धन्यवाद देता हूँ। आगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान ये कहते थे कि मैं गरीब को 3 महीने का अनाज मुफ्त में दूंगा। आज ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं, अस्पताल के लिए तड़प रहे हैं। कहाँ हो मुख्यमंत्री जी? आपका मुद्दा था, आपका एजेंडा था। ज्योतिराज सिंधिया बोलते थे कि मैं किसान के लिए रोड पर उतरूंगा, आज वो जनसेवक इसी महामारी में आज तक आप लोगों को नहीं दिखा है, कहाँ है जनसेवक? और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि किसान की कर्ज माफी का मुद्दा आप लोगों ने लिया था, वो आपके कमल पटेल ने नकार दिया है। मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मेरी सरकार होती तो किसान की खेत की मट्टी बेच देता था। माननीय मुख्यमंत्री जी, मट्टी तो दूर की बात, आज किसान के अंदर त्राइमम मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है और बोनी होने में किसान को पानी गिरने में 20 दिन बचे हैं। खाद की दुकान बंद है, बीज की दुकान बंद है, दवाई की दुकान बंद है। किसान को किसी को टीन खरीदना है, किसी को प्लास्टिक की बरसाती खरीदना है। आज किसान दर दर की ठोकर खा रहा है अन्नदाता। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी, आपकी कोई चिंतामणि नहीं है। आप लॉकडाउन कितना ही लंबा कर दो, मगर कृषक के लिए कृषि यंत्र की दुकान को चालू करवा दें। मैंने पूरे जिले के अस्पताल में भ्रमण करा है, पूरे जिले के अस्पताल देखी है। आज पेशेंट दर दर की ठोकरें खा रहा है। माननीय मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पेशेंट की कोई पहल नहीं है। आज मेरे को ये देखने को मिला है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, पर आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ खुली करना चाह रहा हूँ कि राजगढ़ में विधायक माननीय बापू सिंह जी तंवर है, वो अपनी व्यवस्था निश्चित रूप से अपनी विधानसभा की जनता के लिए कराएं। उनने अधिक से अधिक अपनी विधानसभा में अपनी विधायक निधि लगाई है और कोरोना काल में लगाई है। माननीय खिलचीपुर के पूर्व ऊर्जा मंत्री राजा साहब प्रियव्रत सिंह जी खींची साहब ने छापेड़ा को एम्बुलेंस दी, माचलपुर को एम्बुलेंस दी और पूरी विधायक निधि अपनी खिलचीपुर विधानसभा में लगाई जाए, इतनी किल्लत आपको देखने को नहीं मिली होगी। सर, सुनने में आया है कि नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह जी ने भी कुछ ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई है। आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज माननीय बड़े राजा साहब दिग्विजय सिंह जी साहब, माननीय पूर्व नगरीय प्रशासन आवास मंत्री और राजगढ़ के प्रभारी मंत्री माननीय बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी ने राजगढ़, शिवपुरी, गुना सभी जगह ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करी है और ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा रहे हैं। ऐसे समय में मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रभारी मंत्री हैं हमारे महेंद्र सिंह जी साहब, उनने आज तक मेरे जिले के लिए कोई टिप्पणी नहीं करी। आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा, अगर राजगढ़ प्रभारी मंत्री की कोई टिप्पणी आई हो तो बताइए आप। सर, पिछली मरतबा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं,
वो खुजनेर उनका दौरा हुआ था और उन्होंने 3 ऑक्सीजन इलेक्ट्रिक मशीन शासकीय अस्पताल खुजनेर में दिए। और जी सर, मैं माननीय उन्होंने 3 ऑक्सीलेटर मशीन जो आपके खुजनेर में दिए, तो मैं माननीय सांसद जी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ जो 3 मशीन कम से कम उन्होंने भेंट करी। पर 3 मशीन से जिला नहीं चलता है। आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाइए, रेमडेसिविर की व्यवस्था करवाइए। आज पचोर नगर के अंदर मेरे यूथ कांग्रेस के सारे लोग लगे हैं जो गुना से ऑक्सीजन ला रहा है और ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। सहारनपुर के यही आलम है, मेरी यूथ कांग्रेस की टीम लगी हुई है और ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रही है सब। 3 ऑक्सीलेटर मशीन से पूरा तहसील कवरेज नहीं हो जाएगा। आप बताइए पूरी 3 मशीन से क्या पूरा तहसील कवरेज हो जाएगा? सर, इस वक्त आपको नहीं लगता है कि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से जी तोड़ मेहनत कर रही है, चिकित्सा विभाग अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, ग्राम पंचायत हो या नगर पालिका या नगर निगम, रात दिन लगातार लगे हुए हैं कोरोना की चेन तोड़ने में, क्या कहना चाहेंगे सर? साहब, मैं स्वास्थ्य विभाग का पुरजोर तरीके से धन्यवाद अर्जित करूंगा, पुलिस प्रशासन का पुरजोर तरीके से धन्यवाद अर्जित करूंगा। कल मुझे देखने में ये मिला है कि पचोर में जो हमारे DI साहब है, लोहरिया साहब, उनने गरीब आदमी को 2000 अपने पॉकेट से दिए हैं और 2000 रुपये का राशन दिलवाया है। मैं ऐसे पुलिस प्रशासन अधिकारी को पूरे किसान कांग्रेस राजगढ़ की तरफ से, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और TI साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैंने उनको धन्यवाद प्रेषित करा है, ऐसे पुलिस प्रशासन अधिकारी जो गरीब लोगों की सहायता में जुटे हुए, जो जूते की पानी सुबह की रक्षा करना है, मैं ऐसे जाबाज अफसर को धन्यवाद दूंगा साहब आपके चैनल के माध्यम से। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।